आई तूफान जिसको तुम और तुम्हारे जमींदार ने मजबूर कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, आज वही तूफान सारी दुनिया को छोड़कर चंबल का सहारा ले लिया। तुझे जीने का हक नहीं है, तुझे इस दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहिए। तूफान इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया ठाकुर ने किया है। तूफान सिंह ठाकुर ने जो किया था मुनीम, लेकिन सारी चाल तुम्हारी थी, तुमने ही षड्यंत्र रचाकर हमारा घर परिवार बर्बाद कर दिया। आए मुनीम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मार मत जान से, मैं बहुत डरता हूँ। क्यों रोशनी बेटी? साथियों तेरे सामने क्या देख रहे हो तुम लोग? कदम कर दो इस मुनीम को, मैं इसे जिंदा नहीं देखना चाहता। पिताजी आपने कहा कि हमें मारने की बात कर रहा है, हमें भी दुख है। कोई बेटी नहीं चाहेगी कि उसके पिता या उसके भाई की हत्या हो, लेकिन आपने हमारे समाज को, अपने आने वाले कल को एकदम खोखला कर दिया। जरा झांक के अपने जमीन में देखिए आप, क्या धन दौलत के पार्टी किस काम की? आपके पास मेरे सिवा और कोई औलाद है? नहीं ना? आप मेरी खुशियां देखना चाहते थे ना? जी हाँ, मैं बेटी तुम्हारी खुशियां देखना चाहता कि मेरी बेटी टोली में बैठ के जाएगी, ऐसो आपकी जिंदगी काटेगी। तुम्हारी खुशी हर खुशी है, लेकिन पिताजी आप ये भूल गए, ये पाप की दौलत कमाई जिससे खून से सराबोर हो, ऐसी दौलत आपकी बेटी ने नहीं मांगा। अरे हर बेटी तो अपने बाप से प्यार मांगती है। मुझे आपको पिता कहते हुए शर्म आती है कि अपने एक बिचारे का बसा बसाया परिवार, इसके भैया भाभी जानते हो, इसके भाभी के पेट में बच्चा था, ये लोग सोच रहे थे कि मेरा आने वाला वारिस छबाएगा, मेरी दुनिया हरी भरी हो जाएगी, लेकिन आपने उसे खिलने से पहले बुझा दिया। ऐसा मत कहो, मुझे शर्मिंदा ना कर बेटी। शर्मिंदा नहीं करी हूँ मैं, तो खुद ही शर्मिंदा हूँ कि मैं आप जैसे तेज द्रोही की बेटी हूँ। मुझे ऐसे तेज द्रोही पिता नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा। तेरी ही बेटी ने तुझे जवाब दे दिया, ये तुझे जिंदा रहना। कमीने मालिक से ज्यादा उसका चिमचा, उसकी जवान कैंची की तरह चलती है, इसलिए मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे जहां जाना चाहिए आज तेरा समय पूरा हो चुका है, तुझे आज मैं छोड़ दिया तो पता नहीं कितने लोगों का घर बर्बाद कर देगा। साथियों हम लोग यहाँ भाग कर प्लीज आ रही है, ठीक है, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। रहेगा भी इंस्पेक्टर बिस्लू, जब तक उसका नाम और निशान नहीं मिटा देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।
एक मिनट तूफान, रोशनी तूफान में तुम्हारी गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ में अन्याय किया, लेकिन रोशनी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या गुनाह मैंने किया था? किस जन्म का बदला तूने लिया? भैया भाभी की नजरों में मुझे गिरा दिया। आज भैया और भाभी इस दुनिया में नहीं है, किसको मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा कि यह तूफान दोस्त है? तूफान जाना नहीं चाहोगे? तूफान, जब उस दिन हम और तुम अपने शिवान में प्यार कर रहे थे तो शायद भूपेंद्र की नजर हम पे पड़ी, लेकिन हमें मालूम नहीं हुआ। उस रात वो दिल मुझे आज भी याद है। तुम्हारी भाभी जिस समय इसके चंगुल में थी, उसने मुझसे कहा कि मैं इसे एक शर्त पे छोड़ दूंगा, यदि तुम तूफान के खिलाफ चल के अदालत में एफआईआर में कह दो कि उसके साथ तूफान ने तुम्हारे साथ में बलात्कार किया है। तूफान मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी भाभी की इज्जत बचाने के लिए सब किया था। रोशनी, तुमने मेरी भाभी की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा, मुझे माफ कर दो रोशनी। मैं तो अपने भैया और भाभी की आज्ञा का पालन करता था, तुमने मेरी भाभी की इज्जत बचाकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन रोशनी, इस सच्चाई बिस्लु ने मेरी भाभी के साथ ऐसा किया, कसम है रोशनी तेरी, नहीं आज इस सच्चाई बिस्लु को कोई बचा नहीं सकता मेरी नजरों से। असली जड़ को तुमने देखा नहीं, असली जड़ तो भूपेंद्र जमींदार है जिसने मुझे विवश किया तुम्हारे खिलाफ गवाही देने की। रोशनी, भूपेंद्र सिंह को जब तक तुम्हारा सामने तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलो रोशनी मेरे साथ तुम भी आओ। नौकर, आज निहत्था भूपेंद्र क्यों है तो समझा नहीं है? क्रैश, रणबीर की कहानी खत्म हो गई, तूफान साला जेल की रोटी खा रहा है। बताइए मुझे कौन मारेगा? इसलिए आज हमने खुशी में अपनी राइफल अंदर रख दिया। नमस्ते। अरे नमस्ते रोशनी। नहीं नहीं यार, कहाँ जाओगे? जमींदार साहब तो कहाँ है? आपने कमला जी के साथ में प्यार करना चाहा, लेकिन वो आपको प्यार कम सब क्या नहीं किया। सही बात। आपने हमारे पिताजी से हमारे लिए ऐसो आराम की जिंदगी काटने के लिए अपनी शादी हमसे रचना चाहा। अरे यार रुको, अभी माली ओली को सबको फोन हुआ है, सबको समय बताया गया है, सब लोग जितने बाजा वाले हैं, डीजे वाले, रथ वाले, आली माली, गाड़ी वाले, देखिए गाड़ी की लाइन लगी है ना, गाड़ी वाले सब आ गए हैं। घबराओ नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है। अरे सब आ जाएगा यार। हेलो, तुम मेरे साथ रहेगा, कौन तुमसे बात करेगा, कौन मुझसे बात करेगा? जमींदार साहब, व्यवस्था तो आपकी एकदम तंच है, लेकिन एक कमियां है, शादी का मंडप। रोशनी जी, मैं तो यही सोच रहा हूं कि खड़े खड़े हो जाओ, मंडप की क्या जरूरत है? बाप रे, व्यवस्था इतनी और बगैर मंडप की शादी तो अधूरी होती ना जमींदार। एक काम करें। क्या? वो कहा है कि कुछ गोला वोला वाले पड़ाका उड़ाका वाले को बुलवा लो। 50,000 का गोला का बयाना दिया हूं,
अभी साला फूटना शुरू होगा ना, तार 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 पूरे गांव की कहानी धुआं धुआं हो जाएगा। एक मिनट, मैं भी कुछ गोलियां लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, खास कर बुला दो। आइएगा भैया जरा यहाँ पे। तुहार शादी पक्की बा? और तुहार शादी कहाँ होई? अरे कहाँ होगी अमर रात? मैरिज हॉल में। कहा? मैरिज हॉल में नहीं, ये साला कह रहा मैरिज हॉल में। अरे सालो मैरिज हॉल। हाय 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 वाह। तूने मेरे भैया और भाभी को इस दुनिया से मिटा दिया, बोल मैं तेरे साथ क्या करूं? तूफान सिंह जरा देख ले, तुम्हारा सजाए बाटी। अरे यार रुको यार, क्योंने तू रहनी रही यार? अरे रुकोगे? शांत रहो बाल ठाकुर। तू सुन, बोल तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कमीने? तूफान सिंह जो भी भूपेंद्र सिंह किया अच्छा किया, लेकिन तूफान सिंह आज भूपेंद्र तुमसे यही उम्मीद करता है। जिस धन दौलत के लालच में हमने ये काम किया तो आज ये भूपेंद्र सिंह तुमसे माफी मांग रहा है, अपनी राज रियासत तुझे देकर जा रहा है। अरे भाई भाई पछे लगाए भाई लगता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे अरे जमींदार, इस रोशनी तू प्यार करना चाहता है ना? नहीं तूफान, शादी करेगा तू? नहीं तूफान, माफ कर दे। नहीं नहीं नंबर के बच्चे, तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, तेरा मैं नामो निशान ही मिटा दिया इस दुनिया से। जमींदार का नामो निशान आपने तो मिटा दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो बैठा थाने में का नाम है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर विष्णु। जब से आया इस इलाके में तब से जमींदार की तलवे चाटते चाटते एकदम कुत्ता बन गया पक्का। सुन लिया मेरे साथियों, चल गए सीवन, इंस्पेक्टर विशु को पकड़ लाओ, उसका भी नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। चलो मेरे साथ आओ।
चौकीदार सुनो, ये कौन है? अबे सुन, अबे कुत्ता है, चौकीदार तेरा भौंकना बंद कर दे साले। जमींदार के तलवे चाटने वाले कमीना कुत्ते। अबे जीवन भर मेरी और क्या बोलना चाहता है? उधर सुना रहा ए, सुन इधर सुन। अबे देख ये लड़की वही बलात्कार वाली फिर तो नहीं आई है? ये लोग लेके आए, पैसा लोगे? वसूल कर ले, पैसा लोगे? कितना बकाया है तुम्हारा? कितना बकाया है तेरा? कमी नहीं, किसको दिया था? कौन तनखा काट दिया? क्या बोला? तू भी मुझसे रिश्वत ले रहा था ना? बोल कितना रिश्वत चाहिए तुझे आज? सब ले रहे थे। तूफान इसकी गलती नहीं, जब उधर से ऑर्डर होता था तो इधर से मांगता था। अरे साहब तो कहते थे हम कमीशन घूस नहीं लेते हैं। उकार कहते थे जब कोई केस जाती थी चौकीदार से बात करके हमसे मिलो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप ही आइए। बलात्कार केस में हमको जेल में डाले थे ना? कौन डलवाया था? कौन डलवाया था पूछा? यही है खड़ी रोशनी। बात करो उससे ना। उससे बात करूं? कौन डलवाया था? कौन डलवाया था? भूल गया उस दिन? अरे तुम्हारा जमींदार जिसके तुम तलवे चाटते थे और उसका वो मुनीम, उन दोनों का नाम और निशान मिटा दिया। बोल मैं तेरे साथ क्या करूं? देखो तूफान सिंह, वक्त का तकाजा है, उतना ही बोलो जितना हम सुन सकते हैं। हमारे कानून के अंडर में अगर आ जाओगे तो हम तब भी जेल में डाल कानून की ऐसी की तैसी, जब तू रहेगा तब तेरा कानून रहेगा। माना मैं पानी की कसम खाया है, जब मेरा परिवार नहीं रहा इस दुनिया में तुझे जीने का कोई हक नहीं है। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सुनो बोल तो, क्या बोलना चाहता है तू? तूफान सिंह, तुम्हें डिग्री मिली है, तुम वकालतनामा कर चुके हो, एक मौके पर एक वकील हो। वक्त तुम्हें इस जगह लाके खड़ा कर दिया है जो कि इस नतीजे पर पहुंचे हो। सोचो और समझो, हम ऐसा कोई गुनाह काम नहीं किए हैं, चाहे रोशनी से पूछ लो, चाहे किसी से पूछ लो, चाहे नहीं सरकार से पूछ लो। मैं वकील था, वकालत करता था, लेकिन तुम जैसे दलालों ने मुझे मजबूर कर दिया। जिसके साथ ऐसा होगा वह सब कुछ भूलकर यही एक रास्ता अपनाएगा, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मैंने मां भानी की कसम खाया है आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा जैसे इंस्पेक्टर को दुनिया में रहने की कोई हक नहीं है। नंबर एक, जितना जितना तेरा बकाया है
मेरे बच्चों में भेजवा देना, मैंने याद करके आ दुनिया वालों, मैं आज आखिरी बार कह रहा हूं, कोई भी गरीब जब तक जुर्म सहना चाहता है सह लेता है, जब अपने यहां पर आ जाता है दुनिया की कोई परवाह नहीं करता है, तब मेरा जैसा वो खुर्दा डाकू बन जाता है अपने परिवार का बदला लेने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने किया है। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ऐसा कर्म मत करना जो कि दुनिया के निगाह में आप लोग झुक जाए। सच्चाई के लिए अगर आपको कुछ भी करना है, जब दुनिया से मजबूर हो जाना तो मेरा जैसा डाकू तूफान से बन जाना, अन्यथा कभी भी ये रास्ता मत अपनाना। तूफान, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? कहो रोशनी, क्या कहना चाहती हो? तूफान, मैं चाहती हूँ तुम अपने आप को कानून के हवाले करके आत्मसमर्पण कर दो, ताकि हम और आप एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हाँ रोशनी, मैं भी ये चाहता हूँ कि कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं आज समर्पण करना चाहता हूँ और मैं कानून को बताऊंगा, अपनी सारी सच्चाई बताऊंगा, उसके बाद अगर मेरी जमानत हो जाएगी हम तो मिलकर एक अलग दुनिया बनाएंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। इसमें बताओ तुम्हारी क्या राय है? बड़े अच्छे विचार आपके हैं। त्रिजी दोस्तों, ये रही हमारी आदर्श पूर्व शिक्षक नाटकला सौजन्य से संगीत प्रस्तुति। आप लोगों ने देखा संगीत का नाम आखिरी गोली उर्फ डाकू तूफान सिंह। जो भी टूटिया हुई हो उसके लिए हम समस्त कलाकार हाथ जोड़ के समा प्रार्थी है। तो एक बार बोलिए भारत माता की जय। हरि करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए।